अगली खबर ग्वालियर से आ रही है, जहां होम्योपैथी डॉक्टर को गोली मारने के मामले में पुलिस उलझन में है। डॉक्टर ने भी किसी पर शंका नहीं जताई है और ना ही ऐसी किसी दुश्मनी का खुलासा किया है कि हमलावर उसे गोली मार दे। इससे पुलिस का मानना है कि बदमाश किसी और को टारगेट करने आए थे, लेकिन गलतफहमी में डॉक्टर पर हमला कर गए। पुलिस अब सीसीटीवी खंगाल रही है। मल्टी के गैलरी में लगे सीसीटीवी कैमरे में दो बदमाशों के चेहरे कैद हुए हैं। पुलिस ने फुटेज अपने हाथ में लेकर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस को आशंका है कि बदमाशों के टारगेट पर कोई और था, डॉक्टर सिर्फ कंफ्यूजन का शिकार हुआ है। शहर के गोविंदपुरी रोड सिल्वर स्ट्रीट के फ्लैट नंबर 803 में रहने वाले होम्योपैथी डॉक्टर राजेश गुप्ता पर मंगलवार रात दो बदमाशों ने फायर कर दिया। गोली उनके हाथ को छूकर निकल गई। डॉक्टर गुप्ता के अनुसार वे रात को खाना खाकर टीवी देख रहे थे कि तभी उनके घर की डोरबेल बजी। उन्होंने दरवाजा खोला तो दो युवक जबरदस्ती घर में घुसने की कोशिश करने लगे। उन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ दोनों को घर में घुसने से रोका और गेट पर ही संघर्ष करने लगे। दोनों युवकों ने डॉक्टर गुप्ता के साथ हाथापाई की। इस दौरान ही एक युवक ने पिस्टल निकाली और डॉक्टर गुप्ता की तरफ फायर कर दिया। डॉक्टर ने बचाव में फायर करने वाले युवक का हाथ पकड़ लिया और गोली डॉक्टर गुप्ता के हाथ की उंगली को छूते हुए निकल गई। गोली चलने से सोसाइटी में शोर शराबा हो गया, जिससे घबराकर दोनों युवक भाग गए। घटना के बाद घायल डॉक्टर गुप्ता ने पुलिस को कॉल किया। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि वे दोनों में से किसी भी युवक को नहीं पहचानते थे, ना ही उनकी किसी से पुरानी अदावत है और ना ही हाल में उनका किसी से झगड़ा हुआ है। डॉक्टर पर गोली चलाने वालों की पहचान के लिए पुलिस ने हाउसिंग सोसाइटी के साथ ही मेन डोर पर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू कर दिया है, क्योंकि पुलिस का मानना है कि बदमाश डॉक्टर को निशाना बनाने नहीं आए थे। इसलिए पुलिस ने आसपास के साथ ही अन्य मंजिलों पर रहने वालों की जानकारी एकत्रित कर उनसे जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है। एएसपी क्राइम राजेश डंडौतिया का कहना है कि बदमाशों का पता लगाने के लिए सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। कुछ फुटेज मिले हैं, लेकिन वह साफ नहीं है। बदमाशों की तलाश में क्राइम ब्रांच के साथ ही विश्वविद्यालय थाना पुलिस जुटी हुई है और जल्द ही आरोपियों का पता लगा लिया जाएगा। घटना है और एक डॉक्टर परिवार था जो कि सिल्वर स्टेट में फ्लैट नंबर 8 फ्लोर पर रहते थे और उनका लगभग 9:30 से 10 बजे के बीच में दो अज्ञात व्यक्ति आए और उनके द्वारा फायरिंग की गई। उन्होंने बचाने की कोशिश की तो उनमें हाथ में चोट आ गई। इसमें फिलहाल थाना यूनिवर्सिटी में आईटी सेक्शन 307 के तहत केस रजिस्टर कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं। गार्ड से पूछताछ हुई है, गार्ड ने रजिस्टर में उसकी एंट्री नहीं की है कि कौन लोग हैं ये, और गार्ड ने एंट्री नहीं की है, इसके लिए भी उससे पूछताछ की जा रही है।